हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत, और आज हम आपको लिए सेकंड वीडियो लेके आए हैं, पार्ट टू, यानी कि पार्ट टू वीडियोस लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। देखिए, हम लोगों ने पार्ट वन की वीडियोस में क्या किया था, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर किया। उसमें जितने टॉपिक हो सकती थी मैंने उतने टॉपिक कवर की। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं, फिर डिस्कस किया चार्ज क्या होते हैं, फिर डिस्कस किया टाइप कितने टाइप के चार्ज होते हैं, यानी वगैरह वगैरह। पार्ट वन की वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, चार्ज की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक को और डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जरा ध्यान से सुनिएगा जी, अच्छे से कवर कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियोज़ बहुत लेंदी होती जाती है। देखिए जी, वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है तो आप इंटू टू की स्पीड में करके आप देखिए, ठीक है। देखिए, आइए, अगर इलेक्ट्रिसिटी की ही बात की जा रही है तो यहाँ पे पार्ट टू का ये वीडियो है, और हम आपके लिए इसमें पढ़ाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि जब चार्ज की ही बात की जा रही थी वहाँ पे पार्ट वन की वीडियोस में, तो कितने टाइप के चार्ज होते हैं और कोई भी बॉडी कैसे पॉजिटिव कैसे भी निगेटिव बनती है, तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे चार्ज की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसका नाम है क्वांटाइजेशन, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो देखिए मैं आपको बता दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज। लेकिन इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मीन्स इसका मतलब ये होता है, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब ये होता है, या फिर यू कह लीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि एनी थिंग्स दैट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, यानी कोई भी चीज़ किसमें अवेलेबल हो, हमको एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूं यहाँ पे कि मान लीजिए आप जाइए, ये पेन है, मान लीजिए आप की पेन ख़त्म हो गई और आप शॉप पे गए, तो उस शॉप कीपर से बोले अंकल जी मुझे एक पेन दे दीजिए, मुझे दो पेन दे दीजिए, मुझे तीन पेन दे दीजिए, 10 पेन दे दीजिए, 20 पेन, 50 पेन, 100 पेन। एग्जैक्ट सही समझ पाने की मैं आगतों को, यानी कि आप जब दुकान पे जाएंगे तो उससे 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 यही पेन ना मांगेंगे। क्या आप उस दुकानदार से 1.5 पेन मांगेंगे, 3/2 पेन मांगेंगे, 3/2 पेन मांगेंगे, 11/2 पेन मांगेंगे उससे? नहीं ना। यानी आप मांगेंगे भी तो दुकानदार वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि पेन क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है, या तो एक पेन, या तो दो पेन, या तो तीन पेन, या तो चार पेन। उसी प्रकार से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का भी मतलब ये होता है कि चार्ज इज क्वांटाइज, यानी चार्ज भी क्या होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है। या तो आप किसी को, जैसे एग्जाम्पल में, यानी आप किसी के पास पेन मांगने जाएंगे तो वो आपको या तो एक पेन, या तो दो पेन, या तो तीन पेन, यानी ऐसे करके वो आपको पेन दे सकता है। उसी प्रकार से जो चार्जेस होते हैं, या तो आप किसी को +1 कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, तो इसी प्रकार से चार्ज भी एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है। चार्ज भी कभी भी डेसिमल में, या चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं अवेलेबल होता है। सुनिएगा, या तो आप किसी को +1 कूलम चार्ज डोनेट कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी बॉडी को, या तो +2 कूलम, या तो +3 कूलम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो +4 कूलम, या +10 कूलम, एज सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट। यानी क्या हो, एक फिक्स नंबर। देखिए, आपको कहीं इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर नज़र आ रहा है? नहीं। या तो आप किसी को चार्ज प्लस में जिन्होंने डोनेट कर सकते हैं, यानी कंप्लीट नंबर में, या तो +1 कूलम, या तो +2, या तो +3, या तो +4,
ठीक है, प्लस फोर कॉलम या प्लस टेन कॉलम ऐसे, या फिर माइनस वन कॉलम चार्ज किसी बॉडी को डोनेट किया जा सकता है, या माइनस टू कॉलम किसी को डोनेट किया जा सकता है, या माइनस थ्री कॉलम किसी को डोनेट किया जा सकता है, या माइनस फोर कॉलम किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, एस वन, या तो फिर माइनस टेन कॉलम चार्ज किसी को डोनेट किया जा सकता है यानी ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी देखिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि चार्ज पॉजिटिव में भी होता है निगेटिव में भी होता है, लेकिन कंडीशन एक होती है कि चार्ज हमेशा एक फिक्स नंबर में ही अवेलेबल होते हैं। चार्ज कभी भी डेसिमल में प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, या कभी भी फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर कोई आपसे बोल दे एग्जांपल में क्या प्लस वन पॉइंट फाइव कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या अगर कोई पूछे क्या माइनस टू बाई थ्री कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा यही कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज यानी एनी थिंग्स डैट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी चार्ज भी क्या होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है। जैसे आप पेन मांगने जाएंगे किसी दुकान पे तो पेन भी क्या करेगा आपको एक फिक्स्ड अमाउंट में ही देगा आपको, कभी भी डेढ़ पेन कभी भी ढाई पेन आपको वो अवेलेबल नहीं होगा उसके पास, या ना वो आपको देगा वो। तो जैसे मान लीजिए आपको ये दे देगा, छोटा छोटा दे देगा, बोल देगा प्लस हंड्रेड कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे यस ये कंप्लीट नंबर है तो डोनेट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। या बोल देगा माइनस वन हंड्रेड फिफ्टीन कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। क्या 2015 कूलम चार्ज प्लस 2015 कूलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस किया जा सकता है क्योंकि कंप्लीट नंबर है। तो अब इतना आसान तो पूछेगा नहीं क्वेश्चन, वो आपको क्या करेगा ये जो आप कंप्लीट नंबर देख रहे हैं इसमें इसको ऐसे लिख देगा, इस फॉर्म में लिख देगा, लिखेगा 8 × 10⁻¹⁸ कोलम, या फिर लिख देगा 3 × 10⁻¹⁹ कोलम चार्ज, क्या इस चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आपको तो पता ही नहीं है यह जो नंबर है यह एक कंप्लीट नंबर आएगा या डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। बोलिए जी पता है क्या आपको कि इसकी जो वैल्यू आएगी, समझ पा रहे हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या उसका एक कंप्लीट नंबर होगा या डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए। तो अगर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर एक कंप्लीट नंबर आ रहा है तब तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इस चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरी बॉडी में। अगर इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू मान लीजिए डेसिमल में चला गया या फ्रैक्शन में आ गया तब तो बोलेंगे इस चार्ज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप समझ रहे होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं, यानी एनी थिंग्स दैट इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अगर मैं इसकी एक्चुअल डिफिनीशन की बात करूं तो इसका मतलब एक्चुअल डिफिनीशन इसका ये होगा चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड इन INTEGRAL इंटीग्रल फॉर्म। चार्ज को हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्म में ही किया जा सकता है। ये इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे है इंटीजर, INTEGR इंटीजर। देखिए जी इंटीजर क्या होता था, वे नंबर जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव वाले नंबर्स इंक्लूड होते हैं उसे इंटीजर्स कहते हैं। तो देखिए चार्ज भी क्या है, इंटीजर है कि नहीं है, यानी देखिए कभी प्लस वन कोलम है तो कभी माइनस वन कोलम है ना। लेकिन इसमें ये बताइए क्या इंटीजर में कभी आपने डेसिमल वाले नंबर देखा है, कभी इंटीजर में आप फ्रैक्शन वाले नंबर देखे हैं, नहीं। यानी वो क्या होता है एक कंप्लीट नेचुरल नंबर होता है, बस यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं यहाँ पे, इसलिए इंटीजर, उसी को मैंने इंटीग्रल फॉर्म लिख दिया। तो एक्चुअल डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका, चार्ज ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड इन इंटीग्रल फॉर्म, यानी चार्ज को हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल में आप ये वाली सीरीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, आइए इसके बेस पे यहाँ पे। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में जैसा कि मैंने अभी बताया ये छोटे छोटे नंबर तो देगा नहीं आपको, कंप्लीट नंबर तो देगा नहीं, वो क्या करेगा हाईली नंबर दे देगा। इसे जैसे मैंने भी लिखा 3 × 10⁻¹⁹ कोलम, तो इतने बड़े नंबर आप सॉल्व करेंगे आप
तो आइए मैं उसी की बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसको इरेज करता हूँ। 1 2 3 देखिएगा, अब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने क्या किया है, एक फार्मूला भी बना के आपको दिया। अब वह फार्मूला क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फार्मूला ये है, उन्होंने एक फार्मूला दिया क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब देखिए जी, क्यू का मतलब आप पार्ट वन की वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये चार्ज होता है। क्यू का मतलब होता है जी चार्ज, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब होता है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब होता है जी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा पता होना चाहिए कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अच्छा, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो ये चीज़ नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोलिए जी, इतनी बातें समझ में आया, यानी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। देखिए जी, क्यू का मतलब यहाँ पे है चार्ज, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कभी गिवन नहीं होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। कभी कभी गिवन हो जाएगा, कभी कभी गिवन नहीं होगा। जैसे कि इसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फटाफट से फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, ये है मैं क्वेश्चन है, कैन अ चार्ज 8 × 10⁻¹⁸ कोलम गिवेन टू अ बॉडी। क्या इतने कोलम चार्ज किसी बॉडी को डोनेट किए जा सकते हैं, ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, क्या इतने कोलम चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में कोलम का नाम ले ले, यानी उससे पहले देखिए जी चार्ज का नाम ले लिया, यानी क्वेश्चन में क्यू दिए दिया, क्वेश्चन में क्यू दे दिया। क्यू का मतलब चार्ज, चार्ज कितना है बोलिएगा, 8 × 10⁻¹⁸ कोलम है कि नहीं। अब देखिए हमें क्या पता करना है इसमें, क्या इतने कोलम चार्ज को कभी ट्रांसफ़र किया जा सकता है या दूसरे बॉडी को दिया जा सकता है। तो अब देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है ये, यानी इसकी वैल्यू अभी कंप्लीट नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब यह एन पे है क्वेश्चन मार्क, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। और देखिए मैंने ई आपको हमेशा बोल दिया, ई आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम। अब देखिए जी जरा सा फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फार्मूला होता है जी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, आपको निकालना है एन को, तो एन को पकड़ लीजिए और इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई इक्वल किधर आएगा, तो हो जाएगा जी डिवाइड, यानी एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा, और एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू देख लीजिए 8 × 10⁻¹⁹ कोलम है, और अपॉन में देखिए जी 1.6 × 10⁻¹⁹ कोलम है, इसको ऊपर भेज दीजिए जी, तो एन इज इक्वल टू 8 × 10⁻¹⁹ ये -18 है, और ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, और अपॉन में बचेगा जी 1.6 बचेगा। अब जब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो एन इज इक्वल टू 8 × 10⁻¹⁹, और मैं ये -18 ये +19 जब सॉल्व करेंगे तो बोलिए जी 10⁻¹ बचेगा, और अपॉन में 1.6 होगा। आगे सॉल्व कर रहा हूँ, जब देखिएगा एन इज इक्वल टू ये 10⁻¹ का मतलब 10 हो गया, और 10 में जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलिए जी 80 होगा कि नहीं होगा, बोलिए 80 होगा 80, और अपॉन में 1.6 बचा, बोलिए ये 10⁻¹ का मतलब 10 हो गया, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में तो 80 हो गया, और ये 1.6। अब देखिए नीचे का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर इंटू में कर दिया 10, अब देखिए एन इज इक्वल टू काट दीजिए 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80, और 5 × 10 = 50। तो बोलिए जी एन इज इक्वल टू 50 कोलम आ गया कि नहीं, अब बताइए, यानी इतने कोलम चार्ज को क्या हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। यस, इसका आंसर है यस, दिस चार्ज इज गिवेन टू अ बॉडी, क्योंकि एन की वैल्यू क्या आया है, एक कंप्लीट नंबर आया है। आइए जरा सा मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, बोलिए जी क्लियर है। आइए क्वेश्चन देता हूँ, ए क्या कैन अ चार्ज, मैं क्वेश्चन देता हूँ, मिटा देता हूँ, क्वेश्चन है बता, देखिएगा जी क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट CALCULATE कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8 × 10⁻¹⁹ कोलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन है, बोलिए जी
बोलिए बोलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्या इतने कूलम चार्ज किसी बॉडी को कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है जब इतने कूलम चार्ज हो तो। बोलिए जी कितने कूलम होंगे, और ये भी बताइए क्या इस चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, बोलिएगा। तो अब देखिए जब भी क्वेश्चन में चार्ज का नाम ले, देखिए जी कूलम्ब ऑफ चार्ज, इतने कूलम्ब ऑफ चार्ज, चार्ज का नाम ले लिया यानी क्यू गिवन है, कितना है 8×10⁻¹⁹ कूलम्ब है। यन की वैल्यू तो निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यन पे क्वेश्चन मार्क, और ई आपको हमेशा पता होना चाहिए 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब देखिए जी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे क्या आप लोग, सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। 1, 2, 3 शुरू करता हूँ। देखिएगा जी फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू यन इंटू ई होता है, यन निकालना है क्वेश्चन में तो यन इज इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा जी, और यन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 8×10⁻¹⁹ कूलम्ब अपॉन में 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब देखिए जी यन इज इक्वल टू 8×10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा तो ये +19 अपॉन में आ जाएगा जी 1.6, ये प्लस माइनस माइनस यानी अब क्या होगा, यन इज इक्वल टू 8×10⁻¹⁰ होगा कि नहीं, और अपॉन में 1.6 होगा। आगे जब आप सॉल्व करेंगे बोले जी यन इज इक्वल टू 8×10⁻¹⁰ इसका मतलब 1। आप याद कर रहे हैं ए के पावर 0 इज इक्वल टू 1, मैथमेटिक्स आती है कि नहीं थोड़ी बहुत, चलिएगा जी किसी के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है तो 8×1 और अपॉन में देखिएगा जी 1.6 आ जाएगा। अब देखिए 8×1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे का डेसिमल हटाने के लिए ×10 कर दीजिए तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो अब बताइए जी यन इज इक्वल टू 8×10 यानी 80 होगा, और अपॉन में 16 यानी 5 जा यानी यन इज इक्वल टू 5 कूलम्ब आया कि नहीं। तो बोलिए जी क्या इतने कूलम्ब यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया आपका 5 कूलम्ब आ गया, यानी क्या इस चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, यस किया जा सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आया है, इसकी वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आया है। अब देखिए अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लगाएंगे आप, कई सारे लोग कन्फ्यूजन रख लेते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे लगाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन की क्वेश्चन में जब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो ये -5 कूलम्ब हो जाएगा, और प्रोटॉन की बात करेगा तो +5 कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये कूलम्ब क्यों लगा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, चार्ज ही तो है, और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, इसलिए यहाँ पे कूलम्ब लगा दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें बड़ा एक बढ़िया सा फेमस सा क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा था यहाँ पे, जरा सा मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको राइट कर दूँ क्या, मैं क्वेश्चन राइट कर दूँ, बोलिए इसको नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए जी ये किताबों में तो आपको दे दिया था, ये फार्मूला डायरेक्ट दे दिया था, लेकिन क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, ये किसका फार्मूला था। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, जरा देखिएगा जी क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पे थोड़ा सा निकाल दें हम। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द चार्ज ऑन 12.5×10⁸ कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इतने कूलम्ब इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे। तो इस बार जरा देखिए जी क्वेश्चन में किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, सी ए कैलकुलेट क्या सर इसमें नहीं आती आपको कैलकुलेट, देखिए जी यानी यन के यानी क्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि नहीं, इस बार क्यू के ऊपर है जी क्वेश्चन मार्क, और देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया है कि इतने इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो यानी यन की वैल्यू दे दिया है 12.5×10⁸ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब देखिए जी क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू यन इंटू ई होता है, तो क्यू इज इक्वल टू यन कितना है बोलिए जी 8 कूलम्ब, और इंटू कर देंगे उसमें 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सबसे पहले नंबर एक तरफ कर दीजिए, तो Q इज इक्वल टू 12.5×1.6×10⁻¹⁹ ये देखिए जी -19 है और ये 8 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जरा बोलिएगा जी
क्या इसमें 11 आएगा माइनस 11। अब देखिए जी, जब 12.5 और 1.6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू लगभग 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 20 आ जाएगा। 20 इंटू 10 के पावर माइनस 11 बचेगा। और डेसिमल दी देखिए, हमेशा एक वन डिजिट के बाद लगती है, तो वन डिजिट जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 2.0 आएगा। 2.0 इंटू 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल हमेशा वन डिजिट के बाद लगता है। अब डेसिमल के बाद जीरो है तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 10 कोलम इतने चार्ज आ जाएंगे। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन दें, क्वेश्चन दें, आप क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट कीजिएगा जरा सा। क्वेश्चन है मेरा फिर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, किसी ने एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से किया था लाइव क्लासेस में, और मैंने व्हाट्सएप पर भी किसी ने एक क्वेश्चन सेंड किया था। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था, कैलकुलेट CLCULAT, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 26 FE 56, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस, गिवेन चार्ज ऑन प्रोटॉन, PRO चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये क्वेश्चन था। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले इंडिकेट तो कर लिया है कैलकुलेट द चार्ज, यानी क्यू तो क्वेश्चन मार्क है, क्यू तो क्वेश्चन मार्क है। और देखिए आपको E भी पता है, हमेशा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कोलम। अब देखिए यन तो हमें पता करना है, दो चीज़ कम से कम तो पता होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जरा याद कीजिए, ये देखिए एफ ई 26 एटॉमिक नंबर होता है जी एफ ई का, जरा ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको ये चीज़ नोट करके लिखवाया था, ये चीज़ नोट करके लिखवाया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसका मतलब एग्जांपल अगर समझाऊं, मान लीजिए अगर 11 नंबर पे सोडियम है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए, अगर ये 26 नंबर पे है, यानी क्या इसके पास अब 26 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, और आपको कंफ्यूज करने के लिए उसका मास दे दिया गया था, ठीक है। तो अब जरा सा देखिए, यहाँ पे 26 नंबर पे, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन कर दिया है, 26 इलेक्ट्रॉन है, यानी यन की वैल्यू है कितना है, 26 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। तो अब बताइए जी, अब दो चीज मिल गई आपको, अब बताइए आप चार्ज निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे कि नहीं। यानी Q इज इक्वल टू कितना होता है, जरा बोलिएगा, Q इज इक्वल टू कितना होता है, बोलिए, Q इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है, और Q इज इक्वल टू कितना है, n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 26, और इंटू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कोलम। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका जो आंसर आएगा, Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4.16 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कोलम आपका जी होगा आंसर। आप तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 41.6 आएगा लगभग, 41.6 लगभग आएगा। इसलिए डेसिमल को मैंने, डेसिमल हमेशा वन डिजिट के बाद लाता है, तो यहाँ लाया हूँ, तो इसमें से एक पावर कम हो गया है, तो ये इतना हो गया इसका आंसर। तो समझ पा रहे हैं, बोलिए जी। इसमें पूछी थी संजू के क्वेश्चन समझ में आया आपको, आना भी चाहिए। चलिए अब देखिए, और क्वेश्चन दे दें बोलिए जी, और क्वेश्चन दे दें, तैयार हैं तो बोलिए, क्वेश्चन दे दे रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं कोई चीज़ बताता हूँ, इसमें एक चीज़ पूछता है अल्फ़ा पार्टिकल्स वो क्या होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का मतलब समझा देता हूँ। अल्फ़ा पार्टिकल्स, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है, कैलकुलेट CLCULAT, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ALPH, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स गिवेन अ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कोलम। अब देखिए, यानी कभी
देखिए जी, कभी कभी चार्ज गिवन कर दिया जा रहा है यहाँ पे ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द चार्ज, यानी क्यू पे तो है जी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे ई की वैल्यू आपको दे दिया है, यानी प्रोटॉन चार्ज एंड प्रोटॉन की वैल्यू आपको दे दिया है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए जी, ये चार्ज एंड प्रोटॉन इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, इसलिए मैं यहीं पर लिख दिया हूँ। हाँ, बाद में आप अलग उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा, अभी आप वैल्यू यही पुट कीजिए, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखिए एन की वैल्यू तुमको नहीं पता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, मैं आपको बता दूं, जब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो जब न्यूक्लियस के अंदर से दो प्रोटॉन निकाल लिए जाते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर से दो प्रोटॉन निकाल लिए जाते हैं, तो उसी को जी कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। कब बोलते हैं, जब किसी भी एटम के अंदर से उसके न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन निकाल लिए जाएं, तो उसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अब बताइए जी, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब समझ में आ गया। अब अल्फा पार्टिकल्स यानी ये जो प्रोटॉन है वो इक्वल होगा, अगर दो प्रोटॉन है इसका मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट खोजिए जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो। और मैंने अभी बोला ना कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही एटॉमिक नंबर होता है, ये नोट कर लीजिएगा इस बात को। तो इसका अल्फा पार्टिकल्स निकाल लिया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो, तो वह है जी हीलियम। ठीक है, तो अभी आपको उससे लेना देना नहीं है अब, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग एलिमेंट से भी निकाले जा सकते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स का मतलब ये होता है कि जब किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर से दो प्रोटॉन निकाल लिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं जी अल्फा पार्टिकल्स। अब बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चल गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या दो प्रोटॉन आप ले लीजिए, यहाँ पे प्रोटॉन की बात किया है तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन आप ले लीजिए। ठीक है, यन की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए जी, अब फिर से क्या है, क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू यन इंटू ई होता है, और क्यू इज इक्वल टू यन की वैल्यू है 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखिए जी, 16 मान लीजिए इसको पूरा, 16 × 16 = 32, यानी क्यू इज इक्वल टू 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोटॉन की बात किया था, इसलिए क्यू की जो वैल्यू होगी वो +3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम होगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया क्या समझ में आपको? तो ये मेरे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।